दूसरा दिन शुरू हो चुका है खेतों में ही। वर्कआउट जो है वो मैंने आज सुबह ही लगा लिया था एप्स का, तो अभी जो है मैल को ढोया जा रहा है, मतलब गोबर को ढोया जा रहा है अपने खेतों में। अपने घर के जो खेत हैं वहाँ से सीधा ले जाया जाएगा दूर वाले जो हमारे खेत हैं वहाँ पे। आपको दिखाता हूँ ट्री एक्टिवा 125 सीसी, हम इसको काफ़ी ज़्यादा काम पे लेते हैं। ये जो आप दो बोरे देख रहे हैं ये अभी स्कूटरी में ही जाएंगे। और ये सामने हमारा घर, तो ये मोम बोरों में मैल भरते हुए गोहा है, ये सारा गोहा हमारी भैंस का, इसको सीधा ले जाया जाएगा खेतों में 125 सीसी एक्टिवा में। स्कूटरी हो चुकी है जाने के लिए तैयार, अभी आपको लेके चलता हूँ मैं हमारे दूर वाले खेतों में। अभी मैं पहुँच चुका हूँ खेतों में, सो यहीं तक हमारी स्कूटरी जाती है। ये देख सकते हैं पीछे मैल का बोरा, और अभी मैं आपको रास्ता दिखा देता हूँ। सो रास्ता जो है वो यहीं पे होता है ख़त्म, इसके आगे इसको अपने कंधे पे रख के बोरे को सामने सामने जाना है खेतों में, वहाँ पे इसको फेंकना है। स्कूटरी से उठा के मैल के बोरे को सीधा कंधे पे रख लिया है, अभी सीधा इसको खेतों में फेंकेंगे जहाँ पे हमने ऊर लगाना है, मतलब चावल लगाने हैं वहाँ पे फेंकेंगे। और यहाँ से ज़्यादा 500 मीटर जाना पड़ता है स्कूटरी के बाद, तो कुछ इस तरह से कंधे पे रखा हुआ है। और आप पीछे की खूबसूरती का नज़ारा देखिए, शायद नहीं आ रहा है, मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ आपको। तो ये हमारा नेचुरल खाद है, हमारे भैंस का जो गोबर है। सो दिखाता हूँ आपको कहाँ पे इसको मैंने फेंकना है। हाँ जी दोस्तों, दोपहर का काम हो चुका है ख़त्म, कुछ इस तरह से काम करना पड़ता है खेतों में। अभी दोपहर के बज रहे हैं 1, अभी लंच टाइम हो चुका है, फिर लंच टाइम के बाद मिलेंगे सबको, तो सबको थैंक यू। बाकी लंच टाइम के बाद क्या काम हो रहा है वो भी मैं आपको दिखाता रहूँगा साथ साथ में, कि खेती जो है वो काफ़ी मुश्किल होती है। सो सबको बाय।